हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अश्वमेध विद्यालय। लेट अस विल कंटिन्यू आवर चैप्टर चैप्टर नंबर 2, मोशन ऑफ द अर्थ। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टू बी स्टडीड अबाउट द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड हाउ द डेज एंड नाइट शुड बी लॉन्गर। दैट हैव टू बी स्टडीड इन टू द प्रीवियस वीडियो। नाउ टूडे वी हैव टू बी स्टडीड अबाउट द वराई द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट। समटाइम्स वी हैव टू बी सी दैट in the season like winter season the days are shorter and nights should be longer. The how should be happening is that, so let us beginning it. Varying length of days and night. The rays of the sun fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June and on the Tropic of Capricorn on 22nd December. Jo sun rays hai wo vertically ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को फॉल होकर गिरते हैं एंड आफ्टर दैट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर को। तो हियर वी हैव टू बी चेंजिंग द सीजन एंड ऑन दिस डे 21 जून दैट शुड बी अ लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर अर्थ ईयर लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर एंड 22 दिसंबर दैट इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। हाउ शुड बी हैपनिंग इज दियर though wherever the rays fall vertically days are longer, wherever they are slanting days are shorter. अगर वो vertically fall करते हैं तो वो days क्या होते हैं, longer होते हैं and that should be a slanting, that when they have to be fall into a slanting it should be a shorter. The two tropics are in a opposite hemisphere. ये दोनों ट्रॉपिक्स जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बोथ हैव टू बी फॉल इन टू अ अपोजिट हेमिस्फीयर। स्टूडेंट्स हियर द डायग्राम शुड बी गिवन, इट शुड बी गिव अ मोर इंस्ट्रक्शन अबाउट इट। यू हैव टू बी सी लाइक दैट हियर इज अ सन एंड दिस इज द अर्थ। यू सी दैट अर्थ इज द मूव ऑन इट्स एक्सिस। विच पार्ट शुड बी कम फ्रॉम to sun side, that should be a day, and the opposite side that should be a darkness. Here when it should be move, the this is the circle of illumination, like circle of illumination that should be explaining here the line that separate the lighter from the darker half. Light jo girti hai usko dark half mein jo convert karti hai of the earth and joins two pole, जो two poles को north pole and south pole को join करती है, that is known as a circle of illumination, प्रकाश virtual, जो earth के दो जो part करती है, one of the darker and one of the darkness and one of the lighter. So here we have to be see the different two parts. So here too we see that कि अर्थ का जो पार्ट जो है सन के साइड में आएगा दैट शुड बी अ डे एंड द अदर साइड शुड बी अ नाइट एंड दैट इज वाई जो अर्थ है वो मूविंग करता है। जैसे जैसे वो अपने एक्सिस पे मूव करेगा तो ये जो इल्यूमिनेटर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेटर है जो वो जैसे पार्टीशन करता है एंड दैट शुड बी अ बिकम यू हैव टू बी सी दैट द डिफरेंस इज देयर। ओके the day should be become shorter and night should become longer. SMS जैसे जैसे वो मूव करेगा तो दैट सिचुएशन शुड बी हैपनिंग। आप लोगों को याद ये रखना है कि 21 जून जो है वो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर है एंड 22 दिसंबर दैट शुड बी अ शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। इट इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर एंड हाउ शुड बी हैपनिंग। तो वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग this is by the figure. Here some questions should be given. Let us we give the answer about it. Okay, the season in the northern and southern hemisphere are opposite. Jaise hum log ne upar dekha, look at the diagram and answer the following questions. First one, how long would a day be on the Tropic of Cancer on 21st June? 21st June pe जो डे है वो कितना लंबा है, जैसे मैंने बताया कि लॉन्गेस्ट डे तो कितना लंबा है, तो हियर द आंसर इज 14 आवर्स। ये 14 आवर्स जो है दैट शुड बी इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है।
Which season do the place on the Tropic of Cancer experience? Tropic of Cancer पे जब सन रेज जो है वो पासिस होते हैं तो कौन सी सीजन जो है वो अकर होती है? दैट शुड बी अ समर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून वी हैव टू बी फील समर. वॉट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट? ड्यूरेशन क्या रहता है डे और नाइट का? तो जैसे मैंने बताया कि डे वुड बी लॉन्गर एंड नाइट वुड बी शॉर्टर. जब समर होता है तो डेज जो होते हैं वो लंबे होते हैं एंड नाइट शुड बी शॉर्टर. व्हाट विल अकर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 22 दिसंबर? तो 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, कैप्रिकॉन पे जब ये सनरेज वर्टिकली रे जो है वो फॉल होते हैं तो क्या एक्सपीरियंस होता है? तो समर. हमारे यहाँ पे नहीं, दैट शुड बी अ फीलिंग टू अदर कंट्री. ओके, हमारे यहाँ पे तो विंटर सीजन होती है, लेकिन अदर जो जहाँ पे कैप्रिकॉन क्रॉस होता है, जो कंट्री के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्रॉस होता है, तो वहाँ पे क्या फील होता है? तो वहाँ पे समर सीजन. हाउ लॉन्ग वुड द डे बी ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 22 दिसंबर? तो दैट शुड बी ऑल्सो अबाउट 14 आवर्स. सो हियर वी हैव टू बी अंडरस्टैंड डेज एंड नाइट्स, अबाउट द डेज एंड नाइट्स, हाउ शुड बी लॉन्गर एंड शॉर्टर. नाउ वी हैव टू बी अंडरस्टैंड अबाउट द सीजन. द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन. जो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, ऑन इट्स ऑर्बिट. ड्यू टू दिस द नॉर्थ पोल फेसिस द सन एट रेगुलर इंटरवल. नॉर्थ पोल जो है वो रेगुलर इंटरवल में आता है. द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली आइदर ऑन नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर. दिस कॉज अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. जो नॉर्थ एंड साउथर्न इक्वेटर पे जब वो वर्टिकली फेस करता है तो उसके वजह से वेरिएशन, यानी कि डिफरेंट डे और नाइट्स में डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं. दोज पार्ट ऑफ द अर्थ विच रिसीव मोर सनलाइट एक्सपीरियंस समर. जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट है तो वहाँ पे कौन से सीजन्स फील करेंगे? समर. वाइल दोज दैट रिसीव अ लेस सनलाइट एक्सपीरियंस विंटर. द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर इन द पीरियड बिटवीन 21 मार्च टू 21 सेप्टेम्बर. नॉर्थन हेमिस्फीयर पे हाँ, वाइल इट इज विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द पीरियड. द चेंज ऑफ सीजन इज अ फेनोमेनन दैट डायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमन लाइफ. ये जो सीजन है वो डायरेक्टली जो है ह्यूमन लाइफ, हमारी जो लाइफ स्टाइल पे है, उसकी हमारी जो हैबिटेशंस है उस पे ये इफेक्ट करती है. ओके, हियर वी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड हाउ शुड बी सीजन अकर्स. द सन शुड बी वर्टिकली जहाँ पे एक्सटेंड हो गए, दैट इज अ नॉर्थ एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. तो अर्थ जैसे मूव करता है सन को, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सारे जो मंथ है वो दिए हुए हैं, बराबर. तो जहाँ पे वर्टिकली ये सनरेज जो फॉल हो गए, दैट शुड बी अ समर सीजन. क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली, और जहाँ पे स्लैंटिंग है तो वहाँ पे वी हैव टू बी फील दैट लाइक अ विंटर सीजन. तो यहाँ पे स्लैंटिंग रेज है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या फील होगा? विंटर सीजन फील होगा. एज सून एज 21 जून दैट इज द लॉन्गेस्ट डे एंड 22 दिसंबर दैट इज अ शॉर्टर डे. तो डे और नाइट भी जो है वो ये सन रेज की वजह से धीरे धीरे मूव जो होता है अर्थ, तो जो पार्ट में ज़्यादा सनलाइट है उसकी वजह से या वहाँ पे ज़्यादा समर गर्मी हीट जो है वो फील होती है, तो दैट इज अ एक्सपीरियंस समर सीजन. एंड जहाँ पे डार्कनेस फील होता है तो वहाँ पे सनलाइट जो है वो कम फील होती है, एंड दैट इज फील दैट अ विंटर सीजन. लिस्ट ऑफ द सम फेस्टिवल एंड द सीजन ऑफ द ईयर सेलिब्रेशन इज गिवन बिलो. एस एम एस जैसे विंटर डे एंड नाइट एंड सीजन शुड बी हैपनिंग, दैट सेलिब्रेशन शुड बी देयर. सीजन के वाइज हम लोग सेलिब्रेशन भी करते हैं. वेन वी सेलिब्रेटेड अ पर्टिकुलर फेस्टिवल हियर नेम द सीजन एक्सपीरियंस एट दैट टाइम. जो यहाँ पे हम लोगों को फेस्टिवल्स के नेम दिए हैं और कौन से सीजन जो है हम लोग फील करते हैं, तो अ डिफरेंट कंट्री फाउंड आउट द कंप्लीट द टेबल.
तो उसके लिए हम लोगों को अदर कंट्री के अंदर कौन सी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे हम लोगों को इंडिया के सीजन्स दिए हैं, तो अदर कंट्री में ये कौन सी सीजन्स अकर होगी, तो वो तो उसके लिए जैसे होली है, तो होली इंडिया के, इंडिया में जो है वी फील अ समर सीजन एस इन टू अ केनिया, तो केनिया में कौन सी सीजन फील करेंगे, सेम समर. इट्स डिपेंड ऑन द हेमिस्फीयर, इट्स डिपेंड ऑन द हेमिस्फीयर. जापान में भी समर, होली सीजन है तो होली सीजन में जापान में भी समर सीजन ही फील करेंगे, यूएसए में भी समर सीजन फील करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होली, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होली जो है तभी विंटर सीजन, वी फील द विंटर सीजन, विंटर सीजन जो है एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में होगा. तो ये इट्स डिपेंड ऑन इट्स अ हेमिस्फीयर. एसएमएस दिवाली, तो इंडिया के अंदर वी फील एक्सपीरियंस विंटर सीजन, एंड जापान में अगर हम लोग बात करेंगे तो जापान में भी सेम एज विंटर सीजन. एंड कैनेडा में सेम एज विंटर सीजन, इट्स डिपेंड ऑन इट्स हेमिस्फीयर. नाउ क्रिसमस, द क्रिसमस शुड बी वी फील इन टू इंडिया, देर इज अ विंटर सीजन, एंड अदर देन यूएसए, यूएसए में भी विंटर सीजन ही फील करेंगे, एंड चाइना, तो चाइना में भी विंटर सीजन ही फील करेंगे. हियर वी हैव टू बी सी द वॉट सीजन शुड बी एक्सपीरियंस ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. हियर वी हैव टू बी सी द पिक्चर द सन एट मिड नाइट इन नॉर्वे. जैसे अदर कंट्रीज के अंदर जो सन डे या नाइट सीजन जो भी हैपनिंग होती है, इट्स डिपेंड ऑन हेमिस्फीयर. जैसे हम लोग ने आगे देखा कि इट जो सन रेज जो है दैट शुड बी अ टच टू अ नॉर्थन एंड साउथ पोल हेमिस्फीयर, एंड दैट इज वाई दैट शुड बी अ हैपन. ये जो हम लोगों को पिक्चर दी है वो नॉर्वे की है. तो एक्चुअली ये क्या दिखाती है, लुक एट दैट, यहाँ पे मिडनाइट का एक पिक्चर दिया हुआ है जो मिडनाइट के अंदर सनसेट होता है उसका. तो ये क्या है कि डे टाइम के अंदर सन जो है वो मिडनाइट के अंदर भी सनसेट नहीं होता है. सिमिलरली डे और नाइट दोनों के अंदर सन रेज जो है दैट शुड बी अ इक्वल. In the European nation of Norway, the sun does not set from mid-May to the end of July. Mid-May से लेके जुलाई तक जो है सन सेट नहीं होता है, midnight में भी दिखता है. तो that means क्या होता है कि sunrise and sunset are simultaneous, दोनों equal है, sunrise and sunset. So the sun is seen ever at midnight. तो रात को भी हम लोग उसको देख सकते हैं, experience कर सकते हैं. So students, here we have to be studied about our earth motion. How it should be a motion and what should be happening, how should be change the season, what should be happening into day and night, that's all should be have we understand in this lesson. Thank you.